Hello friends, my name is Shitish Rastho and this is my video blog. आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि how to survive in Mumbai film industry successfully. So let's begin. First of all, it's not a place for friendship. अगर आप यहाँ पे कॉलेज की दोस्ती वाली मानसिकता लेके आए हैं कि आप यहाँ पे दोस्त बनाएंगे, आपके दोस्त बहुत अच्छे होंगे, वो आपका हर चीज में साथ देंगे, तो आप गलत हैं. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ सब लोग काम करने के लिए आए हैं और काम यहाँ पे सबके लिए प्रायोरिटी पे है. यहाँ पे सबको पैसा कमाना है, सबको अपने ड्रीम्स रियलाइज करने हैं. और अगर आप ये रियलाइज नहीं करते हैं और आप वही केयरलेस इनडिफरेंट एटीट्यूड लेके आते हैं कि नहीं यार मेरे को लाइफ में जो भी होना है वो मिल जाएगा और बाकी मैं तो अपना एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे. मैं यहाँ बहुत लोगों से ऐसे मिला हूँ जिनको घर से पैसे आते हैं और वो यहाँ बड़ा सा 1 BHK 2 BHK लेके रहने लगते हैं. उसके बाद कुछ करते नहीं है बिकॉज वो अपने ही घर में बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं. अगर आप एक्टर हैं तो आपको ऑडिशन देने जाना पड़ेगा, अगर आप राइटर हैं तो आपको नरेशन देने जाना पड़ेगा, अगर आप डायरेक्टर हैं तो बाहर निकल के आपको कोई शूट करना ही पड़ेगा, अगर आप एडिटर हैं तो आपको एडिट करने के लिए कुछ जाना पड़ेगा, आपको वो सॉफ्टवेयर आना चाहिए, आपको एडिटिंग की नॉलेज होनी चाहिए. ऐसा नहीं होगा कि आप बैठे हुए हैं और एक दिन आपके पास दरवाजे पर दस्तक होगी और कोई आपके पास आएगा और आपको कहेगा कि चलो मैं तुम्हें शाहरुख खान बनाता हूँ. ऐसा नहीं होने वाला. यहाँ बहुत लोग ये उम्मीदें लिए बैठे हैं कि समडे समवन विल नॉक ऑन देयर डोर और उनको लेके जाएगा, पर ऐसा कभी नहीं होगा. करण जौहर कभी आपके घर पे नहीं आएगा, आपको ही जाना पड़ेगा, आपको अपनी नॉलेज इंक्रीज करनी पड़ेगी, आपको अपना टैलेंट इंक्रीज करना पड़ेगा और तभी सारी चीज़ें होंगी. तो दोस्त जो आपके यहाँ पे होंगे वो सब यहाँ पे अपना करियर अपने ड्रीम्स लेके आए हैं, वो अपना काम करेंगे, उसके शाम को आपसे मिलेंगे. मे बी आपको लगेगा कि वो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कई बार वो आपका टाइम वेस्ट कर भी रहे होते हैं, आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, आप उनके दुखड़े सुन रहे होते हो. ऐसे में एक और चीज़ निकल के आती है कि आप निगेटिव लोगों से बचें. जो भी आपके दोस्त हैं वो एटलीस्ट पॉजिटिव होने चाहिए, उनकी लाइफ में एम्बिशंस होने चाहिए, गोल्स होने चाहिए, बिगर एम्बिशंस होने चाहिए, उनको बड़ा बनने की सोच होनी चाहिए. अगर आप छोटे लोगों से मिलेंगे जिनकी छोटी सोच है तो आपकी सोच भी अपने आप छोटी हो जाएगी. अगर आप नेगेटिव लोगों से मिलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो आपसे नेगेटिव बात करके गया है तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, पर ऐसा होगा नहीं. जब वो नेगेटिव बात करके जाएगा तो आप भी नेगेटिव बातें सोचने लगेंगे और आपका पूरा एक दिन सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग में जाएगा. नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग का प्रॉब्लम ही यही है. जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके दिमाग में और पॉजिटिव थॉट्स आते हैं और जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपके दिमाग में और ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं. सो अगर आप कोई रेप के बारे में, क्राइम के बारे में, मर्डर के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आने लगेंगी. पर अगर आप दुनिया की अच्छी चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे कि कुत्ते देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, फूल पत्ती देख रहे हैं, जस्ट एग्जाम्पल, सो आप अच्छी चीज़ें सोचेंगे. तो अच्छी सोच के लिए अच्छी सोच होना ज़रूरी है. और नेगेटिव यहाँ पे बहुत लोग हैं, 90% लोग जो यहाँ पे मिलेंगे वो आपको नेगेटिव मिलेंगे, फ्रस्ट्रेटेड मिलेंगे, जिनको लाइफ में कुछ करना नहीं है और वो सिर्फ बातें करते हैं. मेरा एक एक्सपेरिमेंट है जो मैं लोगों के साथ अक्सर करता हूँ. यहाँ पे बहुत सारे एक्टर हैं जिनको एक्टिंग करनी है, तो जब वो मुझसे बोलते हैं कि यार मैं सारे ऑडिशन हाउस होया, सारे प्रोडक्शन हाउस होया, पर कहीं कुछ काम नहीं है. मेरे को समझ में नहीं आता कि पूरी मुंबई में हर जगह काम चल रहा है, तो काम क्यों नहीं है, आपको नहीं मिल रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. काम तो मुंबई में है क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ शूट हो रहा है. सो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आप बताओ कि आपने कौन कौन से प्रोडक्शन हाउसेस गए हो, कहाँ कहाँ ऑडिशन दिया है. जब वो गिनाना शुरू करते हैं तो वो मुश्किल से 5-6 नाम भी नहीं गिना पाते हैं क्योंकि वो 3-4 जगह गए और उन्हें एज्यूम कर लिया कि आगे हर जगह ना ही होने वाली है तो जाने से कोई मतलब नहीं है. पर ऐसा नहीं होता है, आपको जाना पड़ता है, लगातार जाना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है और ये सोच के जाना पड़ता है कि आप ही उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है और वो रोल सिर्फ आप ही कर सकते हैं. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जॉर्ज क्लूनी ने एक इंटरव्यू में बोला है कि वेन एवर ही यूज़ टू गो टू एनी ऑडिशंस ही यूज़ टू थिंक दैट ही इज़ द सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स, ही इज़ द कैरेक्टर दैट दे आर लुकिंग फॉर. एंड ही सेड ही न्यू दैट इट माइट नॉट बी ट्रू, इट माइट नॉट बी द राइट थिंग, बट ही हैज़ टू हैज़ दैट थिंकिंग जस्ट टू मोटिवेट हिमसेल्फ. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप मोटिवेटेड लोगों के आसपास रहें जो आपको मोटिवेट करें और आप मोटिवेटेड रहें. अगर आप गलत लोगों के आसपास रहेंगे आप कभी मोटिवेट नहीं हो पाएंगे. फ़ोन आपका सबसे इम्पॉर्टेंट वेपन है, सबसे डेंजरस वेपन भी है, इम्पॉर्टेंट वेपन भी है. डेंजरस क्यों है? क्योंकि फ़ोन में अक्सर आप सोशल मीडिया में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आप लोगों से बात करना, चिट चैट करना, पोस्ट करना, कमेंट करना, इन सब चीज़ों में इतने बिजी जाते हैं जिनका कोई रिजल्ट ही निकलता है. आप सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स के लिए अपना टाइम वेस्ट करते हैं. वो छोटा सा एडलिन फ्लो आता है आपको कि आपको लाइक्स आ गए, इतने कमेंट आ गए, पर उससे कुछ होता नहीं है. There is no result that is coming out of it. वो छोटा सा उपलब्धि does not mean anything. So फोन आपका वेपन है if you use it that way. So इसके बाद मैं आपसे सोशल मीडिया के बारे में भी बात करूँगा क्योंकि सोशल मीडिया और फोन आर वेरी मच इंटरकनेक्टेड एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे मैक्सिमम कनेक्शंस मुंबई में जो आके बने हैं वो फेसबुक के थ्रू बने हैं. मैं फेसबुक से जब लोगों से बात कर सकता हूँ वो बात मैं उनसे पर्सनल लेवल पर नहीं कर पाता क्योंकि आज मुंबई में बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग है. एक टाइम था
जब आप किसी के भी ऑफिस में जा सकते थे, पर आज सारे ऑफिस बड़े हाईटेक हो गए हैं, वहाँ पहले सिक्योरिटी गार्ड है, फिर अंदर थंब इंप्रेशन है, फिर कार्ड्स हैं, फिर ऑल दीज थिंग्स हैं, सो आप किसी से मिल ही नहीं सकते बेसिकली। आप किसी को फ़ोन भी करोगे तो फ़ोन में ऐसे सिस्टम लगे हैं कि लोग फ़ोन ही नहीं उठाते, ट्रू कॉलर है तो वो अननोन नंबर उठाते ही नहीं लोग, सो आप किसी से कॉन्टैक्ट ही नहीं कर सकते। जब आप कॉन्टैक्ट नहीं करोगे तो अपना टैलेंट कैसे दिखाओगे, जाहिर सी बात है। तो उसके लिए आपको फेसबुक का इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज फेसबुक में कोई बैरियर नहीं है। आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल को पहले तो पर्सनल प्रोफाइल बनाना छोड़ दीजिए और उसको प्रोफेशनली यूज़ करिए। उसमें कोई भी पर्सनल फोटोज मत डालिए, या जो भी पर्सनल फोटो डालिए वो आपसे आपके काम से रिलेटेड हो या आपकी लाइफ को दिखाए कि आप कितने कूल हैं, आप कितना मेहनत करते हैं, आप क्या क्या करते हैं लाइफ में, क्या क्या प्रोडक्टिव करते हैं लाइफ में, सो दैट जो भी आप जिसको भी आप मैसेज करेंगे कि मेरे को आपसे मिलना है, मेरे पास ये टैलेंट है, वो आपकी प्रोफाइल जरूर चेक करेगा। और जब वो चेक करेगा और देखेगा कि आपने टैलेंट पोस्ट डाले हैं, आपने लाइफ में बहुत कुछ किया है, तो वो आपको एक बार को मिलने के लिए बुला सकता है। आई यूज़ द सेम टेक्निक। आई डोंट पुट बुलशिट थिंग्स ऑन माई फेसबुक, आई डोंट पुट टू मच पर्सनल थिंग्स ऑन माई फेसबुक, आई पुट थिंग्स डैट आई फील विल हेल्प मी इन माई प्रोफेशनल करियर। सो आई डोंट यूज फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड ऑल दी सोशल नेटवर्क्स फॉर माई पर्सनल थिंग्स। अगर मुझे पर्सनली किसी से बात करनी है तो मैं उसे फोन कर लूँगा या मिलने चला जाऊँगा, फेसबुक का इस्तेमाल क्यों करूँगा। फेसबुक इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इफ यू थिंक इट दैट वे, बट इफ यू यूज इट प्रोफेशनली आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं उसमें। फोन आपका वेपन है, मैसेज एज मेनी पीपल एज यू कैन, कॉल एज मेनी पीपल एज यू कैन, इवन इफ दे आर सक्सेसफुल पीपल, इफ यू गेट समवन्स नंबर जस्ट कॉल देम, डोंट वेट कि मैं कल फोन करूंगा, परसों फोन करूंगा, या मैं कुछ बन जाऊंगा तो फोन करूंगा। नहीं, आप फोन पे बात करो, फोन पे ना वो आपका चेहरा देख रहा है, ना उसको कुछ पता चल रहा है, और दो दिन बाद वो भूल भी जाएगा कि आपने उसको फोन किया था। सो जिसका भी फोन नंबर आपको मिलता है, आप एक तो उससे बात करिए, फोन को इस्तेमाल करिए। जो भी आपके फोन में लोग हैं वो कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। जितने नंबर ले सकते हैं लीजिए, अगर आप किसी डायरेक्टर से मिलने जाते हैं, आसपास ऑफिस में जितने लोग हैं सबके नंबर लीजिए। अगर आप ऑडिशन पे जाते हैं तो सिर्फ ऑडिशन में बैठ के स्क्रिप्ट याद करने के बजाय आप याद करिए, अच्छी बात है, स्क्रिप्ट याद करनी चाहिए, अच्छा ऑडिशन देना चाहिए, बट उसके अलावा आप थोड़ा सा सोशलाइजिंग करिए, लोगों से बात करिए, उनके नंबर लीजिए, वो आपको कई व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, वो कहीं ऑडिशन हो रहा होगा बताएंगे, कहीं उनका कोई रोल होगा जिसमें उन्हें सपोर्टिंग एक्टर चाहिए होगा तो आपको बुला सकते हैं उसके लिए। कोई एडिटर है आप उसका नंबर लेते हैं, कभी उसको कुछ काम आएगा तो आपको बुलाएगा। सो दिस इज हाउ यू डू नेटवर्किंग विद द फोन। तो फोन यूज करिए नेटवर्किंग के लिए रेदर देन गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, उनसे बात करने के लिए। गर्लफ्रेंड भी बनाइए, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए, गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, मेरी नहीं है प्रॉब्लम है, बट होनी चाहिए, गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, बिकॉज गर्लफ्रेंड एक वो चीज़ है जिससे आपको मन में सुकून मिलता है। हर वक्त काम के बारे में नहीं सोच सकते, कभी कभी आपको मेंटल पीस चाहिए होता है, वो गर्लफ्रेंड से आता है। ऑफकोर्स कई लोगों का नहीं आता है, जो गलत लड़कियाँ उनके पड़ जाती हैं, पर अगर आपने अच्छी लड़की पटाई है जो आपकी बातें सुनती है, आपको मोटिवेट करती है, देयर इज नथिंग लाइक इट। थर्ड थिंग, रिजेक्शंस आर नॉट पर्सनल। शाहरुख खान का ही मैं आपको इंस्टेंस देता हूँ कि शाहरुख को एक ऑडिशन के लिए एक प्रोड्यूसर ने बुलाया और उसने कहा कि यार ये आदमी का रोल है, इसमें तुम्हें बाल छोटे करने पड़ेंगे। तो शाहरुख ने मना कर दिया कि नहीं यार मैं बाल छोटे नहीं कर सकता, पर मैं रोल करना चाहता हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट है, तो वो रिजेक्ट हो गया। एक तो शाहरुख नाराज़ हो गया उस प्रोड्यूसर से कि यार उसने मुझे रोल नहीं दिया, इतना अच्छा मैंने ऑडिशन दिया था। दो साल बाद जब वो प्रोड्यूसर मिला उसको, शाहरुख बड़ा स्टार बन चुका था, तो वो कट रहा था शाहरुख उस प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर उसके पास पहुंचा, उसने पूछा शाहरुख तो नाराज़ है क्या मुझसे। शाहरुख ने कहा हाँ आपने वो रोल नहीं दिया मेरे को। तो कह रहा यार तेरे को पर्सनली थोड़ा दिया था वो रोल, में तू जा नहीं रहा था, वो आर्मी का रोल था जिसमें तू जा नहीं रहा था, तू एक्टर बहुत अच्छा है पर वो रोल की डिमांड नहीं थी, इसलिए मैंने हमने तुम्हें नहीं लिया उस पिच में, तो रिजेक्ट थोड़ा किया था। सो बेसिकली अगर आप रिजेक्शन को पर्सनली लेते हैं, दे आर नेवर पर्सनल, द ऑडिशन गाइज डोंट इवन नो यू, द डायरेक्टर डोंट इवन नो यू। अगर आप कोई स्टोरी नरेट करते हैं और डायरेक्टर आपको रिजेक्ट कर देता है, इट मीन्स आपकी स्टोरी अभी सही नहीं है, जो आपको वर्क करना है उसके ऊपर, आपका नरेशन सही नहीं है, आपको नरेशन पर वर्क करना है। कभी भी रिजेक्शन को पर्सनल नहीं लेना चाहिए। एक टेक टॉक है, मैं नाम भूल गया उस बंदे का, पर मैं उसका लिंक शेयर करूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देखिएगा। उसने रिजेक्शन थ्योरी के ऊपर पूरी एक टेक टॉक दी है, जहाँ पे वो बंदे ने बंदे को रियलाइज हुआ एक टाइम के बाद कि उसकी लाइफ में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो रिजेक्शन से डरता है। तो उसने डिसाइड किया कि वो अगले 3 महीने तक से और रिजेक्शंस फेस करेगा, 100 रिजेक्शंस वो फेस करेगा, और उसने किया, उसने अपना टारगेट पूरा किया और उस रिजेक्शन से कभी भी उसे प्रॉब्लम नहीं हुई। आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, आपको रिजेक्शन से कभी नहीं डरना चाहिए। और उसका सिंपल प्रोसेस है, मतलब ये सुनने बड़ा आसान लगता है कि आपको रिजेक्शन से डरना नहीं चाहिए, पर अवॉइड कैसे करें, क्योंकि रिजेक्शन के बाद ऑफकोर्स बहुत बुरा लगता है। सो टर्न रिजेक्शन इन टू अ गेम, लाइक यू कैन पुट समथिंग लाइक अ 1 से 100 तक के नंबर का एक चार्ट निकाली, जैसे कि ये चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है, मैंने लगाया हुआ है, और जब भी आपको कोई रिजेक्शन मिलता है तो आप उसको एक क्रॉस कर दीजिए कि अभी आपके 99 रिजेक्शंस बाकी हैं। ट्रस्ट मी, 1 नंबर तक आप पहुँच ही नहीं पाएंगे, 10 रिजेक्शन के बाद ही आपको काम मिलना शुरू जाएगा, बिकॉज रिजेक्शंस आर ऑल्सो द प्रोसेस इन विच यू लर्न अलॉट। When you get rejected in an audition or a narration, you learn something about yourself that you have to get better, and how to get better is something that only you could know.
आप वो किताब पढ़ के करिए या पिक्चर देख के करिए या कोई मोटिवेशनल स्पीकिंग देख के करिए, पर वो आपको पता है कि आपको कैसे उस चीज़ को बेटर करना है. सो द लाइफ इज अबाउट दैट, मेकिंग योरसेल्फ बेटर एंड बेटर एवरी डे. चौथी चीज है सेल्फिश. बी सेल्फिश, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग सेल्फिश एंड मटेरियलिस्टिक. जितने सेल्फिश हो सकते हैं उतने सेल्फिश हो. ये आपका टाइम है और बहुत इंपॉर्टेंट है. पैसे और टाइम में अगर मैं कभी बोलूँ कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है टाइम. टाइम अपना बचाइए. जो भी टाइम है उसको या तो इन्वेस्ट करिए किसी बुक रीडिंग में या किसी से मिलने में. कोई भी फालतू मीटिंग मत करिए. कोई भी ऐसा आदमी जो फुकरा है, इस वक्त खुद काम नहीं है, वो आपसे काम मांग रहा है, उससे मिलकर कोई फायदा नहीं है. आप ऐसे लोगों से मिलिए जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं, जो आपको पैसा नहीं देते हैं तो एटलीस्ट कुछ सिखा सकते हैं. ऐसे लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है. अपने से ऊपर लोगों से मिलिए, आपकी लाइफ बहुत सक्सेसफुल हो जाएगी. और सेल्फिश रहिए. अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त है और उसको आपका बहुत टाइम, वो आपका बहुत टाइम वेस्ट करता है, मत मिलिए. बी सेल्फिश बिकॉज आप मुंबई में धंधा करने के लिए आए हैं, आप यहाँ बिजनेस करने के लिए आए हैं, यहाँ अपना टैलेंट दिखाने के लिए आए हैं. ये कॉलेज नहीं है, यहाँ पे आप खाली बैठ के कितना भी टाइम वेस्ट कर सकते हैं. नहीं, यहाँ पे आपका एक गोल है, एक मोटिव है, एक डिज़ायर है जिसको आपको पूरा करना है, और उसी पे अपना टाइम इन्वेस्ट करिए, किसी और चीज़ पे नहीं. फिफ्थ चीज है टेक एक्शंस. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू टेक एक्शंस. नाउ देयर इज नो लिमिट टू नॉलेज. आप एक्टिंग सीखना चाहते हो, आप डायरेक्शन सीखना चाहते हो, आप एडिटिंग सीखना चाहते हो, आप कैमरा सीखना चाहते हो, तो कोई नॉलेज का लिमिट नहीं है. आप जिंदगी भर सीख सकते हो. मैं आज ही किसी को एग्जांपल दे रहा था कि अगर अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान इस चीज़ का इंतजार करते हैं कि जिस दिन वो सबसे परफेक्ट एक्टर बन जाएंगे उस दिन वो अपने आप को फिल्मों में लॉन्च करेंगे, तो वो शायद कभी नहीं कर पाते. उन्होंने डिसाइड किया है कि उनको जितना आता है वो मोर देन इनफ है, एंड देन दे वेंट ऑन एंड उन्होंने करना शुरू किया, और करते करते वो सीखते गए और बेटर होते गए. सो आप ये मत इंतजार करिए कि जिस दिन आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे उस दिन आप बाहर निकलेंगे और आप कुछ करने की कोशिश करेंगे. नहीं, अभी से शुरू कर दो, आज से ही शुरू कर दो. टुडे इज द डे यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इट. वॉट एवर नॉलेज यू हैव, वॉट एवर रिसोर्सेज यू हैव टू जस्ट स्टार्ट डूइंग इट. आपने कभी लैपटॉप खरीदा है? खरीदा ही होगा. तो जब लैपटॉप आप खरीदते हैं तो वो खाली नहीं होता है, उसमें ऑलरेडी विंडोज़ पड़ा होता है. आप उसमें वेलसी डालते हैं, आप उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डालते हैं ताकि बेटर काम हो सके. पर अगर आप उसे नहीं भी डालेंगे तो भी आप विंडोज़ मीडिया प्लेयर पे अपनी पिक्चर देख सकते हैं, नोटपैड पे आप लिख सकते हैं. सो बेसिक काम तो आपका लैपटॉप खरीदने के बाद हो ही जाता है. तो बेसिक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी लैपटॉप में इंस्टॉल होकर आता है. अगर आप एक्स्ट्रा कुछ डालते हैं तो वो आपके बेटरमेंट के लिए. सिमिलरली द सेम थिंग गोज विद द ह्यूमन माइंड एज वेल. जब आप पैदा होते हैं सो आपके दिमाग में ऑलरेडी कुछ डेटा होता है, वो डेटा इनफ है सक्सेसफुल होने के लिए. उसके ऊपर जो भी आप नॉलेज, डेटा, बिलीव्स क्रिएट करते हैं या पाते हैं या लेते हैं, वो आपको एडिशनल हेल्प तो ज़रूर करेगा, पर वो नहीं भी होगा तो भी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे. वो बेसिक डेटा सक्सेसफुल होने का आपके अंदर है. इफ़ यू जस्ट लुक इनसाइड योरसेल्फ यू विल फाइंड इट एंड बी कॉन्फिडेंट इन दोज थिंग्स. सो दैट इज द होल थिंग. यू वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग, यू स्टार्ट इट नाउ. डोंट वेट दैट वन द सिचुएशन विल बी राइट, वन आई विल हैव द ऑल द नॉलेज इन द वर्ल्ड, ओनली देन आई विल स्टार्ट. डोंट डू दैट. स्टार्ट टुडे. एक और चीज, किताबें पढ़िए, मूवीज देखिए. अगर आप मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, यू नीड टू वॉच मूवीज, यू नीड टू नो अबाउट फिल्म मेकर्स, यू नीड टू नो अबाउट द फील्ड दैट यू आर एंटरिंग इनटू. मैंने 4 साल इंजीनियरिंग करी तब जाके मुझे जॉब मिली. ऐसा तो नहीं हुआ ना कि मैं कंपनी पहुंच गया, मैंने कहा कि मुझे जॉब दे दो, उन्होंने दे दी. नहीं, मैंने 4 साल उस चीज़ के लिए पढ़ाई करी, उसके बाद मुझे जॉब मिली. अभी भी फिल्म इंडस्ट्री में जब मैं किसी से मिलने जाता हूँ, मुझसे पूछते हैं कौन कौन सी फिल्में देखी, कौन सी बेस्ट फिल्म लगी, कौन सा डायरेक्टर था, कौन सा एडिटर बढ़िया था. सो मुझसे पूछते हैं क्योंकि उनको जानना होता है कि जिस फील्ड में मैं जाना चाहता हूँ उसके बारे में मुझे नॉलेज है कि नहीं है. ज़्यादातर 99.9% एक्टर जो मुंबई में हैं उनको कोई आइडिया नहीं है एक्टर्स के बारे में. उन्हें नहीं पता मेथड एक्टिंग क्या होती है, उन्हें नहीं पता दुनिया के टॉप एक्टर्स कौन से हैं, उन्हें कुछ नहीं पता. बट दे स्टिल वॉन्ट टू बिकम एक्टर बिकॉज ऑफ द मनी एंड ग्लैमर एसोसिएटेड विद इट. पर वो मिलेगा आपको. इट्स नॉट रॉन्ग टू रन आफ्टर मनी, इट्स नॉट रॉन्ग टू रन आफ्टर ग्लैमर. आई से यू शुड रन आफ्टर मनी, यू शुड रन आफ्टर ग्लैमर बिकॉज दैट्स द थिंग दैट एक्चुअली मोटिवेट्स यू टू बिकम एन एक्टर. बट यू हैव टू गेट द नॉलेज ऑफ द फील्ड दैट यू आर एंटरिंग इनटू. कल को आपके बगल में इम्तियाज अली बैठा होगा, आपको पता ही नहीं इम्तियाज अली कौन है, आप तो मिस कर दोगे उससे मिलना. सो यू नीड टू नो व्हाट आर द, इफ यू आर एंटरिंग इनटू द फील्ड ऑफ एक्टिंग और डायरेक्शन और एनीथिंग, यू नीड टू नो हु आर द डायरेक्टर्स इन द इंडस्ट्री, हु आर द बेस्ट एक्टर्स इन द इंडस्ट्री, हु आर द एक्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, बिकॉज दिस इज हाउ यू कनेक्ट विद पीपल. When you are sitting with someone and you are talking about acting, if they know that you have in-depth knowledge about acting, they might offer you some job. They will help you out. They will recommend you somewhere. So get the knowledge. Read as many books as you can. Watch as many movies as you can about filmmaking. And that's how you get successful. Thank you, friends. मुझे लगता है कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा. तो इसी बात पर मैं आपसे विदा लेता हूँ. और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए. और अगर कुछ आप चाहते हैं मैं किसी चीज़ पर बोलूँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे डालिए या फिर कोई पर्सनल मैसेज कर दीजिए, तो भी मैं आपके चीज़ों का रिप्लाई करूँगा. मैं लाइफ कोच भी हूँ तो मैं लोगों को हेल्प भी करता हूँ.
मैं फिल्म मेकर भी हूँ, तो मैं फिल्म मेकिंग में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप मुंबई आना चाहते हैं और आपको कन्फ्यूजन है कि आप अपना मुंबई कैसे आना कैसे आ सकते हैं, कैसे चीज़ें कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपकी हेल्प करूँगा। सो बेझिझक मैसेज करिए, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद।